ये लाइट हाउस जनरेटर विज्ञान का एक सुंदर सा मॉडल है। इसके लिए आपको शक्तिशाली नियोडाइमियम के चार चुंबक, इंसुलेटेड कॉपर वायर, मोटर रिवाइंडिंग वाला पुरानी सीढ़ी आदि आदि चाहिए होंगी। सबसे पहले 35 गेज का तार लें मोटर रिवाइंडिंग वाला और उसके 1000 टर्न्स को एक फिल्म रील की डिब्बी पर बांधें। उसके बाद में दोनों इस कॉइल को आप एक पेन के अंदर डाल दें, पेन में सुराख करके कॉइल के दोनों सिरों को निकाल करके उनका इंसुलेशन स्क्रैप कर दें और उनके बाद में इन दोनों सिरों में को एक एक एलईडी के सिरे के साथ जोड़ दें। अब कॉइल पेन से गुजरती है और उसके दोनों सिरे एलईडी के साथ में जुड़े हैं और उसके बाद में एलईडी को आप पेन के अंदर वापस फंसा दें। अब यह रही आपकी कॉइल, बीच में बीचों बीच पेन है और एक तरफ एक एलईडी लगा है और जैसे ही आप दो शक्तिशाली नियोडाइमियम चुंबक को घुमाते हैं ये एलईडी जलता है। उसके बाद एक पुरानी डीवीडी सीडी लीजिए क्योंकि उसको आसानी से काट सकते हैं और उसके तीन टुकड़े बनाइए, एक तो बीच का टुकड़ा जो चौकोर होगा, बीच में छेद होगा और दो इस तरह की पट्टियाँ। अब जो छेद वाला हिस्सा है उसके अंदर एक फिल्म ग्रील बॉटल का ढक्कन चिपका दीजिए, बीच में छेद कर दीजिए। ये एक प्रेस बटन है, इस प्रेस बटन का जो गड्ढे वाला हिस्सा है उसको एक लकड़ी के आधार पर चिपका दीजिए, उसमें चार खंभे लकड़ी के खड़े कीजिए और फिर गोंद लगा करके जो चौकोर सीडी वाला हिस्सा है उसको ऊपर चिपका दीजिए। अब ये एक तरह से उसकी फाउंडेशन हो गई। ये चार नियोडाइमियम के बहुत ही शक्तिशाली चुंबक हैं। अब जो सीडी की पट्टियां हैं उन पे बैक टू बैक दो चुंबक अपने आप ही स्वतः चिपक जाएंगे। इस तरह से दो पट्टियों पे चार शक्तिशाली चुंबक चिपके होंगे और उनको आप दो दो खंभों पे इस तरह से लगा दीजिए, चिपका दीजिए। ये रहा उसका ऊपर का एक व्यू। उसके बाद में पेंसिल को नीचे से छेद में डालिए और जो पेंसिल की नोक है वो प्रेस बटन में बैठ जाएगी। इस बात को इंश्योर कीजिए कि भाई आपका पेन बिल्कुल फ्रीली रोटेट हो, बिना किसी घर्षण के रोटेट हो। अब खिलौना तैयार है, आप जैसे ही पेंसिल को घुमाएंगे ये कॉइल चुंबकों के बीच में घूमेगी और उससे छोटा सा करंट पैदा होगा और एलईडी जलेगा। अंधेरे में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए एलईडी तेजी से जल रहा है। इसका एक ये वेरिएशन है, आप लकड़ी के खंभों की बजाय आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे लकड़ी के आधार की बजाय आप रबर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी जब पेंसिल को घुमाएंगे तो कॉइल जो है चुंबकों के बीच में घूमेगी और एलईडी तेजी से जलेगा। तो ये है लाइट हाउस जेनरेटर।